हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 17 सितंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जो कि आपको स्टार्ट करेंगे, तैयार करेंगे फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ 2023। तो सबसे पहला सवाल है कि स्पीकर लोकसभा का जो होता है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है या गलत स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्पीकर हैज टू वैकेट हिज ऑफिस इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय 1/10 ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर वैकेट्स हिज ऑफिस एंड अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड व्हेन द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इज द गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसमें। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। देखो इसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपको पता है कि इस तरीके से 1/10 मेंबर अगर कह दे लोकसभा के तो उसको स्पीकर को रिमूव नहीं किया जाता, तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर डज नॉट वैकेट इज ऑफिस एंड कंटिन्यू टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स। तो वो तब तक कंटिन्यू करता है जब तक न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मिलती नहीं है, उसको रिमूव नहीं करते, वैकेट नहीं करता। एंड तीसरा लिखा हुआ जैसे स्टेटमेंट वो भी गलत है बिकॉज स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव, ही इज द गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, है ना। तो किसका है, ही इज द गार्डियन एंड गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन में क्या लिखा था, ही इज द गार्डियन एंड गार्डियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का नहीं है, ही इज द गार्डियन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, नॉट द इंटायर पार्लियामेंट। तो ये तीसरा स्टेटमेंट इस कारण से गलत हो जाएगा। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। दूसरा सवाल है प्रीएम्बल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द ओरिजिनल प्रीएम्बल अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1949 डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द प्रीएम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स of the constitution and acts as an aid during the interpretation of articles in the constitution. तो मतलब कि preamble का use किया जाता है interpret करने के लिए articles of the constitution को। तीसरा statement कह रहा है the 42nd amendment of the constitution changed unity of the nation to unity and integrity of the nation. तो ये इसका जो answer correct है वो answer है 2 and 3 आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमको पता है कि सोशलिस्ट वर्ड जो हो गया या सेकुलर वर्ड हो गया, जो इंटीग्रिटी वर्ड है, ये तीनों ही आपके 1976 में ऐड किए गए थे, ना 1976 में 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन। तो बहुत ही आसान सवाल है, आई होप आप अटेंड करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट इज एक्चुअली द एक्ट जिसने कि ये पावर दी कि प्रेसिडेंट जो है वो सेंड बैक कर सकता है रिकमेंडेशन को फॉर रिकंसिडरेशन। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है वो है व्हाट आर द बिग 7 कैट्स, कौन कौन सी 7 बड़ी कैट्स की स्पीशीज़ है। तो सबसे पहले कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ 5 जो स्पीशीज़ हैं वो पैंथेरा जीनस की हैं। याद रखिएगा 5-7 में से 5 जो कैट की स्पीशीज़ हैं वो पैंथेरा जीनस की हैं। एंड पैंथेरा जीनस में जो आती है सबसे पहला होता है टाइगर, जिसको बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है ना, पैंथेरा टाइग्रिस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं टाइगर को। तो द फर्स्ट वन इज पैंथेरा टिग्रिस, IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है पैंथेरा टिग्रिस का, और ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सेकेंड है पैंथेरा लियो यानी कि लॉयन, सेकेंड स्पीशीज इज पैंथेरा लियो या लॉयन। लॉयन का स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इट इज़ नेटिव टू अफ्रीका एंड एशिया एंड इट इज़ द मोस्ट सोशल कैट एंड लिव्स इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स, ये प्राइड्स में रहते हैं। लॉयन जो रहता है वो प्राइड्स में रहता है, ठीक है ना। थर्ड जो स्पीशीज है वो है जगुआर, उसको बोलते हैं पैंथेरा ओंका। याद रखिएगा जगुआर जिसको बोलते हैं पैंथेरा ओंका। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है UPSC में कि इनमें से कौन सी स्पीशीज पैंथेरा जीनस की है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया फिर 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो जगुआर तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा आपको, तो जगुआर याद रखिएगा, पैंथेरा ओंका है, नियर थ्रेटेंड इसका IUCN स्टेटस है। फोर्थ है लेपर्ड, लेपर्ड का है पैंथेरा पार्डस, याद रखिएगा लेपर्ड का जो है वो है पैंथेरा पार्डस, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल होता है, ठीक है ना, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस। एंड फिफ्थ होता है स्नो लेपर्ड जिसका होता है पैंथेरा उन्सिया, पैंथेरा उन्सिया ये भी वल्नरेबल है स्नो लेपर्ड, याद रखिएगा, दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का स्टेट एनिमल भी है स्नो लेपर्ड, तो ये भी आप याद रख सकते हैं।
फिर जो दूसरा जीनस है वो है जीनस प्यूमा। जीनस प्यूमा जो है उसमें कूगर आता है जिसको प्यूमा कॉनकोलर बोलते हैं, कॉनकलर बोलते हैं, ठीक है ना। कूगर यानी कि प्यूमा कॉनकलर, और ये लीस्ट कंसर्न है इसका आयुसिन स्टेटस। दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट कैट इन अमेरिका, अमेरिका में सेकेंड लार्जेस्ट होते हैं ये, जगुआर के बाद आते हैं। फिर एक जो स्पीशीज़ है वो जीनस एसिनोनिक्स की होती है, जीनस एसिनोनिक्स की होती है, इसमें चीता आता है, तो जिसको बोलते हैं एसिनोनिक्स जुबैटस बोलते हैं, और इसमें चीता आता है। तो इंडिया में तो चीता वैसे भी आपको पता है कि हमारे यहाँ तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन बाहर से उनको रीइंट्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो बाहर से हम इसको ला रहे हैं। ये वो सात स्पीशीज़ हैं। लॉयन आपको दिख रहा होगा, टाइगर आपको दिख रहा होगा एशिया वाले पार्ट में, लॉयन अफ्रीका एंड यूरेशिया के पार्ट में, जगुआर अमेरिका के पार्ट में, अमेरिका में तो लार्जेस्ट ही है, चीता फिर अफ्रीका अगेन, देन लेपर्ड हमने देखा एशिया अफ्रीका मिडिल ईस्ट, स्नो लेपर्ड हमने देखा अल्पाइन रीजन जो साउथ सेंट्रल एशिया के हैं, एंड देन कूगर नॉर्थ अमेरिका की स्पीशीज़ है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे अगली जो न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट उसके बारे में देखते हैं, तो लेट्स मूव अहेड। दूसरी जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग योर UNEP ने लॉन्च किया है ग्रीन फिन्स हब। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है ग्रीन फिन्स हब। इट्स अ ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म टू गिव सस्टेनेबल मैरीन टूरिज्म अ मेजर बूस्ट। तो याद रखिएगा, सस्टेनेबल मैरीन टूरिज्म को, मैरीन टूरिज्म को बूस्ट देने के लिए क्या लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ग्रीन फिन्स हब। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्रीन फिन्स हब एक तो किसने रिलीज़ किया, तो ये लॉन्च किया है UNEP ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। क्यों लॉन्च किया है, बूस्ट देने के लिए सस्टेनेबल मैराइन टूरिज्म को, मैरीन टूरिज्म को सस्टेनेबल बूस्ट देने के लिए किया गया है। ग्रीन फिन्स हब क्या करेगा, इट विल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम टू मोटिवेट स्कूबा ऑपरेटर्स टू इम्प्रूव देयर डेली एनवायरनमेंट प्रैक्टिस एट स्केल। तो जो स्कूबा ऑपरेटर्स हैं, जो स्कूबा डाइविंग और ये सब करवाते हैं, उनके जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनके जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए और उनके एनवायरनमेंट को सही करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको कॉस्ट, जो कि मैरीन ऑपरेटर्स जो स्नॉर्कलिंग और ये सब डाइविंग की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको और ज़्यादा स्टेबल और ये सब बनाने के लिए रहेंगी, बट आपको ये याद रखना है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सबको पता होगा कि ये एक रेगुलेटर बॉडी है, रेगुलेशन बॉडी है, जो कि आपका मोनोपोलीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है उनको स्टॉप करने के लिए इसको बनाया गया था। 2003 में इसको मतलब इस्टेब्लिश किया गया था 14 अक्टूबर 2003 को, लेकिन ये फुल्ली फंक्शनल हुई थी 2009 में। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन जो है कंपटीशन एक्ट 2002 को इंप्लीमेंट करना, देखना कि ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और कंपटीशन का जो एटमॉस्फेयर है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, वो जितने भी प्लेयर्स हैं मार्केट में उन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेट करता है अगर कोई ऐसी चीज़ कोई प्लेयर कर रहा है जो कि कंपटीशन को निगेट करे या निगेटिव इंपैक्ट डाले, तो उसको स्टॉप करना। इसके अलावा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स कॉम्बिनेशंस अंडर द एक्ट सो एज टू, जो मतलब ऐसी सारी चीज़ें करने के काम करता है जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको, है ना। एंड ऐसे मर्जर एक्विजिशंस भी ना हो जिसमें कि आपका वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो या फिर मोनोपोली क्रिएट हो, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं। एट SCO मीट मोदी एंड शरीफ इस बार ओवर ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस। यहाँ पे बस प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक पॉइंट उठाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको कनेक्टिविटी नहीं दी जाएगी, रीजनल कनेक्टिविटी नहीं दी जाएगी या ट्रांजिट एक्सेस नहीं दिया जाएगा, तो जो इंटीग्रेशन की काम है और जो हेल्प एक दूसरे की हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, है ना। ये चीज़ क्यों कही गई, क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा था कि कोविड के टाइम में और उसके पहले भी जो पाकिस्तान है उसने इंडिया को एक्सेस नहीं दी थी, मतलब कि चाहे अफगानिस्तान जाना हो चाहे उसको सेंट्रल एशिया जाना हो, पाकिस्तान ने एक्सेस नहीं दी थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, वही चीज़ें हाईलाइट की गई है, अलग से उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। SCO समिट इस बार आपको पता है कि ये आपका कहाँ पर हो रहा है, दिस इज टेकिंग प्लेस इन कजाकिस्तान। एंड SCO का जो सक्सेसर है, मतलब इस बार का जो नेक्स्ट SCO का मीटिंग होगा वो इंडिया में होने वाला है। 2023 का SCO समिट इंडिया में होने वाला है, प्रेसिडेंसी SCO की इंडिया को मिलने वाली है। याद रखिएगा, ये जो अग्रीमेंट है पहले 5 कंट्रीज के बीच था, SCO जब बना था तो 1996 में इसको SCO का को
शंघाई फाइव के नाम से बनाया गया था। तब जो 5 मेंबर्स थे उसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान थे। और अभी 2001 में फिर इसमें उज़्बेकिस्तान को ऐड किया गया था, 2001 में उज़्बेकिस्तान को ऐड किया गया था और तब 6 मेंबर हो गए थे। फिर 2003 में फाइनली ये फोर्स में इंटर किया, 19 सितंबर 2003 को फोर्स में इंटर किया। और याद रखिएगा फिर इसमें इंडिया को और पाकिस्तान को 2017 में ऐड किया गया था और ईरान ने MOU 2022 में साइन कर दिया है। और जो आपका जो फॉर्मल मेंबरशिप है ईरान की वो 2023 में इंडिया जब सबमिट आएगा तब आएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इस बार को जो SCO सबमिट है वो समरकंद में हुआ है, समरकंद इज़ अ सिटी इन उज़्बेकिस्तान, तो उज़्बेकिस्तान में इस बार सबमिट हो रहा है, इट इज़ अ सिटी इन उज़्बेकिस्तान याद रखिएगा। एंड समरकंद जो है वो आपका उज़्बेकिस्तान ही कर लेना, मैंने शायद कजाकिस्तान बोल दिया था पहले लेकिन उज़्बेकिस्तान में, ठीक है ना, उसे करेक्ट कर लेना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे जम्मू सेलिब्रेट्स डोगरा किंग्स हॉलीडे। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि राजा हरी सिंह जो थे, महाराजा हरी सिंह, ही वॉज द लास्ट, मतलब वन ऑफ द जो लास्ट ऑफिशियल किंग थे डोगरा डायनेस्टी के, उन्होंने जब तक रूल किया था तो ही वॉज द लास्ट वन, है ना। अब उन्हीं के बर्थडे को एक हॉलीडे के रूप में मनाया जाएगा, फॉर दैट रीज़न बिकॉज ऑफ हिस कंट्रीब्यूशन जो भी उन्होंने कश्मीर के लिए किया। एंड ही वॉज द महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, लास्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड द हॉलीडे इज़ फॉर हिज रेफरेंस ओनली, उनके ही याद में ये हॉलीडे जो है वो मनाया जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दूँ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है, याद रखिएगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन किया गया था महाराजा हरी सिंह द्वारा, ही एग्री टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, और 27 अक्टूबर 1947, याद रखिएगा 27 अक्टूबर 1947, ये डेट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 22 अक्टूबर को पाकिस्तान से कुछ उसे जो ट्राइबल लोग थे उन्होंने अटैक कर दिया था, हर्डर्स ने, कैटल हर्डर्स ने अटैक किया था इंडिया हरी सिंह की डायनेस्टी को उखाड़ने के लिए, और ऐसे में महाराजा हरी सिंह ने फिर फाइनली कहा कि भैया हमको आपके साथ आना है, तो महाराजा हरी सिंह ने फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन किया। एंड ये 27 अक्टूबर 1947 की घटना है जब ये हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा, दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। तो ये है द कंसिक्वेंस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं, एक तो अगर आप फर्टिलिटी रेट देखें, फर्टिलिटी रेट ना केवल ग्लोबली बल्कि इंडिया का भी डिक्लाइन कर रहा है। इनफैक्ट हमने देखा था कि इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे आ रहा है, इट हैज़ केम बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, यानी कि 2.1 का जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है, रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब क्या होता है कि ऐसी फर्टिलिटी रेट, मतलब इतने बच्चे पर वुमेन पैदा हों जिसमें कि करंट पॉपुलेशन को एग्जैक्टली रिप्लेस कर दे आने वाली पॉपुलेशन, मतलब कि अगर आज 100 लोग हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में भी 100 ही लोग रहें, इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट, मतलब एग्जैक्टली जब उसको रेप्लिकेट कर देता है प्रेजेंट जनरेशन को। अगर इससे कम हो गया फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब है कि करंट पॉपुलेशन जो है उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, उससे कम घटती हुई पॉपुलेशन आपको आगे देखने को मिलेगी। अब ऑथर ने देखो इसको दो पॉइंट बताए हैं, इसके दो पॉइंट क्या है, एक तो इसके फ़ायदे और दूसरे इसके नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ायदे फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं कि नुकसान नुकसान है। तो फ़ायदे में ऑथर ने सबसे पहले कहा कि देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आपका फर्टिलिटी रेट कम है, अगर आपका फर्टिलिटी रेट कम है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि ज़्यादा है, एक तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, या दूसरा आपका जो एक चीज़ इसका प्रूफ ये भी होता है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, आपके यहाँ का जो लोगों का लेवल ऑफ नॉलेज है, नॉलेज का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि एक थ्योरी होती है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखी नहीं है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बोलते हैं। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं कि जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्ट, ये सब बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होती जाएगी, आपका बर्थ रेट ये सब कंट्रोल में होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेवल ऑफ ट्रांजिशन को दिखाता है। दूसरी चीज ऑथर ने कहा है, ऑब्वियसली बात है, जब आपके पास फर्टिलिटी कम रहेगी, जब आपके पास बच्चे कम रहेंगे फैमिलीज को, तो उनके पास ज्यादा अच्छे से रिसोर्स मैनेज कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छे से रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि उनके यहाँ रिसोर्स कम हो जाएंगे, मतलब कि शेयरिंग बेटर होगी, ज्यादा अच्छे से वो कर सकते हैं, ठीक है ना। That is the thing which is important. Lower fertility rate can be viewed both as a cause and consequence of economic development. याद रखेगा, lower fertility rate को दोनों growth, दोनों cause and consequence of economic development माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको important चीज़ याद रखनी है।
इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि लोअर फर्टिलिटी जो है वो वुमेन की एजुकेशन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। अब जैसे देखो क्या होता था, पहले 15 साल में शादी जाती थी, 16 साल में बच्चे, 17 साल में बच्चे होने लगते थे, वो सारी दिक्कतें अब तो है नहीं, है ना। शादी की एज हो गई है 21 साल भैया एज है, उसके बाद भी अभी भी अब जैसे लोगों को ज़्यादा अगर बच्चे इतने नहीं पैदा करने हैं, 3 या 4 बच्चे नहीं पैदा करने हैं, और अब लोग इतने समझदार हो गए हैं कि अगर गर्ल चाइल्ड भी है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये समझदारी आने से एक तो इम्पैक्ट ये पड़ता है कि महिलाओं के ऊपर जो प्रेशर था, पहले जो प्रेशर था महिलाओं के ऊपर वो डिक्रीज हुआ है, महिलाओं की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, और महिलाओं को एजुकेशन का ज़्यादा टाइम मिल पाएगा, ज़्यादा पढ़ने का समय मिल पाएगा। तो ये सारे कुछ और बेनिफिट्स हैं जो कि आते हैं बिकॉज ऑफ दैट। अब देखते हैं कि इससे नुकसान क्या क्या होता है। इससे नुकसान ये होता है ना, इसका और फायदे आपको पता है ना, और फायदे ये होंगे कि पॉपुलेशन थोड़ा एक्सप्लोजन कम रहेगा, रिसोर्सेज ज़्यादा बेटर मैनेज रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, प्रेशर ऑन द एनवायरमेंट कम होगा, जियोग्राफिकल प्रेशर कम होगा, ये सारे फायदे हैं। नुकसान एक हो सकता है जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, आपको पता है पोलैंड एक ऐसी कंट्री है जो पैसे देती है अगर आपने ज़्यादा बच्चे पैदा किए तो, आपको पता है चाइना एक ऐसी कंट्री जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी लेकिन उसको बाद में उनको हटाना पड़ा वन चाइल्ड पॉलिसी को, आपको पता है जापान एक ऐसी कंट्री जहाँ पे एवरेजेस कितनी ज़्यादा हो चुकी है जापान में, अपने आप देखो यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ देखो कि वहाँ पे निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब पॉपुलेशन घटती जा रही है और जो एज है वो बढ़ती जा रही है। इनका नुकसान क्या है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका नंबर डिक्रीज़ होगा। अब जब वर्किंग पॉपुलेशन का नंबर डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में डिक्रीज होंगी। दूसरा, आपके यहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, मतलब कि जो प्रेशर है गवर्नमेंट पे वो बढ़ता जाएगा ओल्ड एज पॉपुलेशन के बढ़ने से, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं बट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वो जरूर लेंगे, तो दे विल इंक्रीज दैट प्रेशर ऑन दैट। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है तो आपको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, ज्यादा आपके पास बेटर ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं आपका तो आप फिर काम क्या करोगे, सारे रिसोर्सेज का हैंडल करने वाला तो ह्यूमन रिसोर्स ही है। तो दैट प्रॉब्लम हैपेंस एंड यही सारे रीजंस है कि क्यों पॉपुलेशन डिक्लाइन भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस बना रहना चाहिए। रिमेंबर पेरियार विद अ प्लेज टू एम्ब्रेस डिसेंट। अब यहाँ पे हम पेरियार यानी कि ईवी रामास्वामी नायकर जी को याद कर रहे हैं, याद रखिएगा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, याद रखिएगा इसको लिख लो, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, इनको पेरियार कहा जाता था, ईवी रामास्वामी नायकर, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, एंड इट वॉज अ मूवमेंट विच वॉज एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग द कंटेम्प्रेरी हिंदू सोशल ऑर्डर, यानी कि ब्राह्मणिकल जो डोमिनेंस था उसको हटाने के लिए, और इन्होंने कहा था प्रीस्टहुड फॉर ऑल क्लास कास्ट, ये लिख लेना, इनका जो मेन एम था वो था प्रीस्टहुड जो होनी चाहिए वो सारी कास्ट के लिए ओपन होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है, 17 सितंबर को सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे एकलव्य स्कूल्स के बारे में है, तो मैं आपको बता दूँ एकलव्य जो है वो रेसिडेंशियल स्कूल्स होती हैं फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। 2014 में इनका अनाउंसमेंट कर दिया गया था, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स का अनाउंसमेंट जो है 2014 में कर दिया गया था, एंड दे आर बीइंग सेटअप, फिर उसके इनको सेटअप करने के लिए दे आर सेटअप बाय सेटिंग अप द नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स टू मैनेज दीज स्कूल्स। फिर ये इन स्कूल्स को मैनेज करने के लिए 2018 में स्टार्ट किया गया नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल से याद रखेगा, पहला तो ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है, बेनिफिट के लिए है, दूसरा एकलव्य जो रेसिडेंशियल स्कूल से उनको हैंडल करने के लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है वो बनाया गया, ठीक है ना। इसके अलावा स्टेट लेवल के, लेकिन इसमें बहुत सारी वैकेंसीज और ये सब देखने को मिला है कि यहाँ पर टीचर्स की कमी है, तो उसको कमी को पूरा करना है, तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। श्रीलंका सेट टू रिवाइव एंड अपग्रेड FTA विद इंडिया। रनिल विक्रमासिंघे जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना है कि श्रीलंका जो है वो FTA जो इंडिया के साथ है उसको रिवाइव करना चाहता है और उसको रिन्यू करना चाहता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले FTA होता क्या है, तो FTA होता है एक पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशंस टू रिड्यूस द बैरियर्स टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बैरियर्स को घटाने का एक एग्रीमेंट होता है, भैया जितने भी बैरियर्स लगे हैं वो घटा दिए जाएंगे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के चलते के जो बीच में आ रहे होंगे। तो इट इज़ agreement between the two countries, two nations, two or more nations to reduce the barrier of import and export among them, ठीक है ना। फ्री ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको ब्रॉट एंड सोल किया जा सकता है अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ्स और कोटाज और सब्सिडीज और प्रोहिबिशंस। तो जब कोटा, टैरिफ, सब्सिडी एंड प्रोहिबिशंस ये सब हटाया जाता है तो इसको बोलते हैं हम एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट।
इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके किसके साथ किया है, तो इंडिया ने मॉरिशियस के साथ किया है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप, लिख लीजिएगा CECPA बोलते हैं। इसके अलावा साप्ता यानी कि साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया है ना, अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया 1995 में इफेक्ट में आया था ये। इसके अलावा साफ्ता हमने किया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जिसको हम बोलते हैं, है ना, इसमें इट्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कन्फाइंड टू गुड्स, लेकिन इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। तो साफ्ता के अंदर याद रखें गुड्स का है, सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें साफ्ता के अंतर्गत दिस एग्रीमेंट वॉज साइन टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज़ टू ज़ीरो, कस्टम ड्यूटीज़ को ज़ीरो करने का एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। इसके अलावा एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट भी है जो साइन किया गया है, इसको पहले बैंकॉक एग्रीमेंट बोलते थे, तो वो भी साइन किया है। इसके अलावा बहुत से आपके लिए एक सवाल ये है, एक क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने और कौन सी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ये मेरे को लिस्ट आप दे दीजिए। तो जस्ट गिव मी द नेम ऑफ द कंट्रीज, सम ऑफ द कंट्रीज जिसके साथ FTA साइन किया है इंडिया ने। यूरोप के साथ तो बात चल रही है, आपको पता है ब्रिटेन के साथ बात चल रही है, बाकी किसके साथ साइन किया है, यूरोप और ब्रिटेन के साथ नहीं किया है अभी एज ऑफ नाउ। फाइनेंस मिनिस्टर अर्जेस बैंक टू यूज टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड वार्निंग सिग्नल्स। तो अब फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक्स को कहा कि भैया वेब 3.0 का यूज़ करो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करो ताकि फ्रॉड डिटेक्शन किया जा सके। तो वेब 3.0 क्या है, इट्स बेसिकली नेक्स्ट फेज इंटरनेट का जो रेवोल्यूशन आ रहा है, जो कि 2021 से बस शुरू किया था। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट रहेगा जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलेगा। तो डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट रहेगा और ये ब्लॉकचेन पे चलेगा, और पहले दो वर्जन से थोड़ा डिफरेंट रहेगा, वर्जन 1 और 2। लेट मी शो यू, ये आपको दिख रहा होगा। तो वर्जन 1.0 जो था वो बेसिक HTML ईमेल्स वाली सर्विसेज थी, वर्जन 2.0 में आपका इंफॉर्मेटिव एंड इंटरैक्टिव इंफॉर्मेशन सेंट्रिक जो आया था, और तीसरा जो है वो डिसेंट्रलाइज प्राइवेट एंड सिक्योर यूजर सेंट्रिक रहेगा, ठीक है ना। तो दैट दीज आर द 3 वर्जन ऑफ द इंटरनेट विच आर देयर, ये आपको याद रखने हैं। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।